लंबे समय बाद भूतपूर्व सैनिकों ने जीती ओआरओपी 3 की जंग। जी हाँ, बेस ईयर 2023 को लेते हुए पेंशन धारक व पेंशन भोगी व तमाम ओआरओपी 3 बेनिफिशरीज और जितने भी लाभार्थी है, 230% की जीत हासिल हुई है भूतपूर्व सैनिकों को। सिपाही, नायक, हवलदार, नायक सुधार, सुधार, सुधार मेजर, जितने भी ऑनरी कैप्टन लेफ्टिनेंट है, जनरल से मेजर तक, आज के इस वीडियो में आपको हम सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे ओआरओपी 3 की वर्तमान स्थिति क्या है। और बता दें 90% आपका जो टेबल है एमओडी की तरफ से तैयार हो चुका है। इसकी पूरी सूचना निकल के आ गई है, दिखाएंगे भी किसका कितना बन रहा है। ओआरओपी 3 में प्री 2006 और पोस्ट 2006 को कितना फायदा होने वाला है। मिनिमम मैक्सिमम के साथ सभी भूतपूर्व सैनिकों को रैंक वाइज, आप जिस भी रैंक से हो और जिस भी बैंक से पेंशन लेते हो, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप लोगों को पूरा कंक्लूजन समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को कितना बन रहा है 1/7/2024। आप लोगों को पता है कि ओआरओपी 3 का रिवीजन हो चुका है, एमओडी की तरफ से जीत मिल चुकी है, साथ ही में संसद में भी ओआरओपी की गुंजी, वहां भी आपने जीत हासिल कर लिया। अब इंतजार है भूतपूर्व सैनिकों को किसका कितना बन रहा है, सिपाही का कितना बन रहा है। ओआरओपी 2 में जेसीओ साइबान का अहमियत खत्म कर दिया गया था, लेकिन ओआरओपी 3 में रैंक वाइज हर एक रैंक का 2 से 3 हजार की बढ़ोतरी हुई है। ये एक अच्छी शुभ संकेत है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। मुझे आशा और पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले, साथ ही साथ शेयर करना ना भूले। एक छोटी सी अपील है आप सभी से, नीचे देखिए एक सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से दबा लीजिए ताकि आपको आगे भी वन रैंक वन पेंशन की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके फोन पे आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।